दिस इज क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2017। क्वेश्चन है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिवली चार्ज मियोन ऑफ मास नियरली 200 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैविंग द सेम चार्ज, द रेडियस ऑफ मियोनिक एटम विल बी। तो देखो, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एटोमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। सो इट इज एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर अपॉन में पाई एम जेड ई का स्क्वायर इंटू में एन का स्क्वायर। मतलब रेडियस जो है वो डायरेक्टली एन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, और इन्वर्सली डिपेंड करता है मास पर, और इन्वर्सली डिपेंड करता है जेड पर। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें मास वेरिएबल कर रखा है कि मास जो है मेन का वो 200 टाइम्स है। तो हम ये देखेंगे कि रेडियस मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो सिंस रेडियस मास पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, पहले हाइड्रोजन था तो लेट उसका रेडियस आर रहा होगा। अब जो मास है आर डेस वो किस पर डिपेंड करेगा, 200 m पर। तो आप ये देखो कि जब आप मास को इंक्रीज कर रहे हो, मास यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो क्योंकि रेडियस इन्वर्सली मास पर डिपेंड कर रहा है, तो मास अगर आप बढ़ाओगे तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि सिर्फ इन्वर्सली m पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर आप मास को 200 टाइम्स कर रहे हो तो रेडियस 200 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो आप ये देखिए किस ऑप्शन में 200 टाइम्स स्मॉलर होगा। तो इसमें तो 100 है, तो इसमें तो रहने दीजिए, 200 टाइम्स लार्जर, 200 टाइम्स स्मॉलर देन द बोर रेडियस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 200 टाइम्स स्मॉलर देन द बोर रेडियस। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रेडियस इन्वर्सली डिपेंड करेगा मास पर।